अस्त ग्रह क्या होता है, कितने अंश तक, कितने डिग्री तक ग्रह अस्त होता है, इस वीडियो में मैंने यह चर्चा करने का प्रयत्न किया है। यदि कोई कारक ग्रह अस्त है तो उसको कैसे जागृत करें, कैसे उसको जागृत करके शुभ फल हम ले सकते हैं, तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करेंगे अस्त ग्रहों के विषय में, जानिए अस्त ग्रह क्या होता है। तो पहली चीज आप ये जान लीजिए, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है, सूर्य के समीप आ जाता है, तो वह ग्रह अप्रभावहीन हो जाता है, अपना प्रभाव नहीं दे पाता है। अगर कुंडली में कारक ग्रह अस्त हो जाता है तो हमें जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मिथुन लग्न ले लीजिए और भाग्य के स्वामी शनि महाराज हैं। शनि महाराज यदि कुंडली में बैठ के कहीं पर भी अस्त हो जाते हैं, यानी भाग्य भाव में ही मान लिया वो बैठे हैं और वो अस्त हो गए, तो ऐसे में जीवन पर्यंत आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। भाग्य जो है रुक रुक के साथ देगा आपको, क्योंकि ग्रह जब अस्त होता है तो प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दे पाता है। बात करें अगर चंद्र की, तो चंद्र जो है, तो यदि 12 डिग्री के अंदर अंदर सूर्य के समीप है तो यह ग्रह अस्त हो जाता है। बात करें अगर दूसरे ग्रह की, तो कुंडली में मंगल 17 डिग्री तक का सूर्य के पास है, यानी कि सूर्य एक अंश का है और मंगल 17 डिग्री के हैं, तो आप मान के चलिए मंगल अस्त रहेंगे, 18 डिग्री तक अस्त रहेंगे। जब 18 डिग्री के ऊपर जाएंगे तब ये उदय होंगे। इसके बाद बात करें अगर गुरु की, तो गुरु यदि कुंडली में 11 डिग्री का डिफरेंस है गुरु की डिग्री में और सूर्य की डिग्री में, तो गुरु अस्त माने जाएंगे, इसके बाद ये उदय हो जाते हैं। इसके बाद अगर शुक्र को देखें, तो शुक्र ग्रह यदि 9 डिग्री के अंतराल में है, यानी कि सूर्य की डिग्री में और इनमें 9 डिग्री का फर्क है, शुक्र की डिग्री में और सूर्य की डिग्री में 9 डिग्री का अंतर है, तो ये शुक्र अस्त रहेंगे। जब 9 डिग्री जैसे ही ये क्रॉस करेंगे ये उदय हो जाएंगे। अब बात करें अगर शनि की, तो शनि 15 डिग्री तक अस्त होते हैं। 15 डिग्री का गैप अगर सूर्य के और शनि के बीच में है तब तो ये ठीक है, अदरवाइज ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। बुध 14 डिग्री तक अस्त होते हैं। तो जब ग्रह कोई भी अस्त हो जाता है, अगर वह कारक है, तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत उत्पन्न हो जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कारक ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है तो आपको उससे संबंधित जप करना होगा या उससे संबंधित रत्न धारण करने होंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मिथुन या कन्या लग्न की कुंडली है, लग्नेश बन जाते हैं बुध, अगर यहाँ पे बुध अस्त हो जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व खराब होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको बुध का रत्न धारण करना है और सूर्य को जल देना है। लाल कपड़े कम से कम जीवन में पहनने हैं ताकि सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे। इसी तरीके से चंद्र हो, मंगल हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह यदि आपकी कुंडली में कारक होकर के अस्त हो रहा है तो आप उसके मंत्रों का जप करें या उससे संबंधित रत्न धारण करें और सूर्य को जल दें, तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो हो गई अस्त ग्रहों की बात, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ग्रहों का अस्त होना भी फायदेमंद होता है। वो इस तरीके से, यदि कोई अकारक ग्रह हमारे शुभ स्थानों में बैठ जाए, छठे का स्वामी या आठवें का स्वामी बैठा है हमारे भाग्य में या पंचम भाव में, वहां पर यदि अस्त हो जाते हैं तो ठीक रहता है। एक तो ये ग्रह अकारक था और वो शुभ स्थान में जाके अस्त हो गया है, हमें बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यदि कारक ग्रह अस्त हुआ है तो उससे रिलेटेड आप उपाय करें, और यदि अकारक ग्रह अस्त हुआ है तो ये ठीक है, फिर आप सूर्य को जल दें खाली और अकारक ग्रह जो अस्त है उसको एज इट इज ड्रॉप कर दें, न्यूट्रल कर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यह एक अस्त ग्रहों के विषय में संक्षिप्त में मैंने चर्चा की और उपाय आपको बताए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।